पहुंची वहां पे खाक जहां का खमीर था। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर सिद्दीक और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आखिरकार पहाड़ों के शहज़ादे और पाकिस्तान के कौमी हीरो मोहम्मद अली सतपारा का जस्त खाकी जो है वो केटू पर मिल गया है और ये अहम ख़बर जो है वो सामने आई है और बाकायदा इसकी तस्दीक भी कर दी गई है। जो मोहम्मद अली सतपारा के बेटे थे साजिद अली सतपारा, उन्होंने भी इसकी तस्दीक कर दी है। नेपाली कोह पैमाओं की टीम जो है अपनी मुहिम जुई के दौरान जो मसरूफ़ थी, उनकी जानिब से ये डेड बॉडीज़ जो हैं वो देखी गई हैं और मोहम्मद अली सतपारा के साथ साथ जो उसकी टीम में शरीक जो दीगर मुहिम जू थे, जिसमें चिली के जेपी मोहर और आइसलैंड के जॉन स्नोरी जो थे, ये तीन अफराद जो थे इनकी डेड बॉडीज़ जो हैं वो मिल चुकी हैं और बाकायदा तौर पर जो गिलगित बल्तिस्तान की इंतज़ामिया हैं, जो वहाँ के वज़ीर इत्तलात हैं और जो वहाँ के टूरिज़्म के मिनिस्टर हैं, उन्होंने बाकायदा इस बात की तस्दीक कर दी है कि तीनों डेड बॉडीज़ मिल गई हैं और अब वो डेड बॉडीज़ जो हैं वो हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए नीचे बेस कैंप तक पहुंचाई जाएंगी। नाज़रीन, इस तमाम सूरत हाल से हम आपको आगाह करेंगे, लेकिन जिस जिसने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो वो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने कीमती फीडबैक से भी हमें आगाह करते रहें। तो बढ़ते हैं नाज़रीन इस अहम ख़बर की तफसील की जानिब। नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ है कि 5 फरवरी को मोहम्मद अली सतपारा और जो गैर मुल्की मुहिम जू थे जिनमें जॉन स्नोरी और इसके अलावा जेपी मोहर, ये तीनों अफराद जो हैं और उनके साथ मोहम्मद अली सतपारा का जो बेटा था साजिद अली सतपारा, ये अफराद जो थे एक मुहिम पे निकले थे केटू को सर करने के लिए। और जब इनकी मुहिम शुरू हुई और ये लोग जो बेस कैंप से होते हुए जब 800 मीटर की बुलंदी पर पहुंचे, तो उसके बाद जो साजिद अली सतपारा थे वो जो हैं वापस आ गए थे। मोहम्मद अली सतपारा के बेटे, उन्होंने मोहम्मद अली सतपारा ने अपने बेटे साजिद अली सतपारा को वहां पर कुछ ऑक्सीजन का मसला हो गया था उसके साथ, तो ऑक्सीजन सिलेंडर में ख़राबी के बायस उसे वापस नीचे भेज दिया गया। जबकि ये तीन अफराद जो थे वो सर्दियों में मुहिम जुई की ये जो अहम कोशिश थी वो मुकम्मल करने के लिए अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए थे। और फिर उसके बाद तकरीबन 4 से 5 फरवरी के दरमियान जो दरमियानी शब थी उसके दौरान ये लोग लापता हो गए और उसके बाद एक ग्रैंड ऑपरेशन जो है सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया पाक आर्मी की मदद से। और इसमें गैर मुल्की जो कोह पैमा थे और जो एक्सपर्ट्स थे उनकी भी मदद हासिल की गई और एक ग्रैंड ऑपरेशन किया गया, लेकिन कुछ भी वहाँ पर उनके आसार ना मिल सके। और बिलाखिर 18 फरवरी को ये डिक्लेयर कर दिया गया कि इन तीनों कोह पैमाओं की जो डेड बॉडीज़ हैं वो नहीं मिल सकें, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन जो है वो बंद कर दिया गया और बाकायदा तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन तीनों अफराद की डिक्लेयर कर दिया गया कि ये लोग जो हैं इनकी मौत वाकई हो चुकी है। और उसके बाद जो एक जज्बा जो है वो मोहम्मद अली सतपारा के बेटे के दिल में जागा कि जिस तरह मोहम्मद अली सतपारा ने, पहाड़ों के शहज़ादे ने सर्दी में जो केटू को सर करने का एक अज़म लिए हुए था और वो इस मुहिम के लिए रवाना हुए और लापता हुए, उसके बाद जो उनके बेटे थे उन्होंने भी ठान ली और उनके दिल में भी वही जज्बा पैदा हुआ कि अब वो अपने वालिद की डेड बॉडी जो है, उनका जस्त खाकी जो है, वो लाजमी हर सूरत जो है वो खोजने की कोशिश करेंगे और ख़ास तौर पे ये भी देखेंगे कि किस तरह उनके साथ हादसा पेश आया और क्या वजह थी कि वो लापता हुए। तो इसके लिए बाकायदा तौर पर जून में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस्लामाबाद में मोहम्मद अली सतपारा के बेटे साजिद अली सतपारा ने, और ये ऐलान किया कि ठीक है, ग्रैंड ऑपरेशन में तो उनके वालिद की डेड बॉडी नहीं मिल सकी, लेकिन अब वो ख़ुद जो हैं एक जज्बे के तहत अपने वालिद की जो डेड बॉडी है उसको हर सूरत जो है वो पैदा करेंगे और उसका खोज लगाएंगे। तो यूँ वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद गिलगित रवाना हुए और वहीं पर इन्होंने अपनी
जो मुहिम जुई थी और जो अपने वालिद की तलाश थी वो उन्होंने शुरू कर दी थी। और इस दौरान जो एक कैनेडियन फिल्म मेकर और उसके साथ एक फ़ोटोग्राफ़र थे वो भी शरीक थे, और उन्होंने एक बाकायदा एक रिसर्च भी इस हवाले से करने का अज़म किया और एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का अज़म किया कि वो इस वाक़े पर पूरी एक जो मुहिम जुई की मुहिम जो शुरू की गई थी मोहम्मद अली सत्तपारा और उसकी टीम के जानिब से, उस तमाम पर वो एक कंपाइल करेंगे रिपोर्ट और एक डॉक्यूमेंट्री। ये अज़म लिए हुए उन्होंने अपनी मंजिल की तरफ जो है वो रवाना हुए, और साजिद अली सत्तपारा के दिल में ये था कि वो अपने वालिद की डेड बॉडी को हर सूरत जो है वो तलाश करके रहेंगे, और उनके दिल में वो जज्बा जो कि उनके वालिद के दिल में था के टू मुहिम जुई के लिए रवाना होने से पहले, कि वो सर्दियों में, यानी देखें जो अब तक के टू की चोटी को सर किया गया है, दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी है माउंट एवरेस्ट के बाद, और इसको जो है सिर्फ मौसम गर्मा में ही सर किया गया है। अब मोहम्मद अली सतपारा के दिल में ये था कि इस चोटी को मैंने सर करना है मौसम सरमा में, तो अब यही जज्बा लेकर वो रवाना हुए थे। उससे पहले मौसम सरमा में सिर्फ जो नेपाली टीम थी वो केटू को मौसम सरमा में वहाँ पर सर करने के बाद नेपाली झंडा लहराया। तो मोहम्मद अली सत्तपारा के दिल में भी था कि एक पाकिस्तानी होने के नाते और एक कोहे पैमा होने के नाते वो भी अपने पाकिस्तान का नाम जो है रोशन करेंगे, और K2 चोटी के ऊपर जो सब्ज़ हिलाली परचम है उसको लाजमी जो है वो लहराएंगे। तो यही जज्बा लेकर वो इस मुहिम के लिए रवाना हुए थे, और अब उनके बेटे साजिद अली सत्तपारा अपने वालिद का जस्त खाकी तलाश करने के लिए इस अज़म के साथ रवाना हुए। इस एक महीने की कोशिश के बाद अब जो उनके साथ टीम थी जब वो जा रही थी, और बाकायदा ड्रोन कैमरों के ज़रिए भी पूरी स्कैनिंग की गई है इस पूरे चोटी की, और वहाँ पर मुहिमजुई के दौरान इनको एक लाश जो है वो नज़र आई है, और वो लाश जो थी वो मोहम्मद अली सत्तपारा की थी। फिर उससे कुछ फासले पर उनको एक दूसरी लाश मिली जो कि जान स्नोरी की बताई गई, और वो एक डेड बॉडी दूसरी मिली, फिर उसके बाद वक्फे वक्फे से तीसरी डेड बॉडी मिली। तो यूं तीनों डेड बॉडीज़ जो हैं वो मिली। फिर उनकी जानिब से जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी होती है थोराया, उसके ज़रिए नीचे बेस कैंप पे जो नीचे जो इनके साथी थे उनको इतला दी गई, और उसके बाद जो गिलगित बल्तिस्तान की इंतज़ामिया थी, जो उनके वज़ीर इतलात थे और जो उनके टूरिस्ट के मिनिस्टर थे, उन्होंने बाकायदा तौर पर इस बात की तस्दीक की कि तीनों डेड बॉडीज़ जो थीं वो मिल चुकी हैं, और अब इनकी सिर्फ उनको ऊपर से नीचे मुंतकिल करने का जो सिलसिला है वो जो है अब मुकम्मल किया जाएगा। और इस सिलसिले में गिलगित बल्तिस्तान इंतज़ामिया ने ये तस्दीक की है कि हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए वो डेड बॉडीज़ जो हैं वो नीचे लाई जाएंगी। तो इस तरह जो 6 माह का इंतज़ार था और जो सब्र आमेज़ जो एक सिलसिला था ये सदमा बर्दाश्त करने का वो तमाम हुआ, और साजिद अली सत्तपारा बिलाखिर अपने इस मकसद में कामयाब हुए। और सबसे अहम बात यह है कि अब तक की जो इंफॉर्मेशन सामने आ रही है, जो मुख्तलिफ मुहिमजू एक्सपर्ट्स हैं दुनिया के और अल्पाइन क्लब की जानिब से भी ट्वीट की गई है, साजिद अली सत्तपारा की जानिब से भी ट्वीट की गई है, और ये तमाम तर तस्दीक उसमें की गई है इन तमाम तीनों डेड बॉडीज़ के मिलने की। और सबसे अहम बात यह है कि ये जो डेड बॉडीज़ हैं वो जो K2 का बॉटल नेक है, एक ऐसा मकाम जिसे मौत की घाटी कहा जाता है, जिसे डेथ जोन कहा जाता है, उससे तकरीबन 300 से 400 मीटर के फासले पर ये डेड बॉडीज़ मिली हैं। तो इससे एहतमाल ये होता है कि ये लोग जो हैं बिल्कुल K2 की बुलंदी पर पहुंच चुके थे, यानी 8611 मीटर का जो फासला था वो ये लोग सर कर चुके थे, और एहतमाल यही है कि ये लोग वापसी पर इनको ये हादसा पेश आया है। और यूं जो वो कहते हैं ना
एक दीवाने का ख्वाब, तो वो ख्वाब ऐसा लगता है कि मोहम्मद अली सत्पारा का वो ख्वाब जो है वो पूरा हुआ है, लेकिन वापसी पर शायद उनको ये हादसा पेश आया है जिसकी वजह से वो मौत की वादी में चले गए और अब 6 माह बाद उनकी डेड बॉडी जो है वो मिली है। तो इस तरह ये तमाम तर जो सफ़र था वो तमाम हुआ, और अब इस पर बाकायदा जो है एक डॉक्यूमेंट्री भी बनेगी और मज़ीद इस पर तहकीक भी की जाएगी कि ये हादसा जो है वो इनको कैसे पेश आया और किस तरह वो लापता हुए थे। इस हवाले से कुछ जो दुनिया के मुहिमजू एक्सपर्ट्स थी और जो ऑर्गेनाइजेशंस थी उनकी जानिब से मुख्तलिफ ज़राए अब्लाग में कुछ ख़बरें भी छप चुकी हैं जिसमें मुख्तलिफ वजूहात बताई गई, जैसे कि वहाँ पर जो चोटी के ऊपर जो रस्सियाँ लगाई जाती हैं और नेपाली टीम जो पहले गई थी उसकी जानिब से जो रस्सियाँ लगाई गई थीं, तो ये एहतमाल भी और ये ख़दशा भी जाहिर किया गया है कि हो सकता है कि किसी पुरानी रस्सी को इन्होंने हाथ लगाया हो और वो रस्सी जो है वो कच्ची हो या बर्फ़ के तोदे या बर्फ़ के टुकड़े से कट गई हो जिसकी वजह से ये लोग नीचे आ गिरे हों। दूसरी बात यह है कि आपको वहाँ पर ऑक्सीजन के हुसूल में दुश्वारी का सामना होता है और इस तरह मुख्तलिफ बीमारियां हैं जो कि मेडिकल एक्सपर्ट्स की जानिब से बताई गई हैं, जैसे ब्रेन हेमरेज हो जाना या जिस्म में खून का जम जाना और इसी तरह हार्ट बीट का वहाँ पर स्लो जाना, मतली आना, खांसी ज़्यादा होना और ऐसी हिजानी कैफियत जिसमें इंसान बिल्कुल ख़ुदकुशी करने के काबिल और मजबूर हो जाता है ख़ुदकुशी करने के, ऐसी कैफियत भी हैं, ऐसी बीमारियाँ भी हैं जो कि ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से इतनी बुलंदी पर इस तरह के वाक़यात जो हैं वो सामने पेश आ सकते हैं। तो ये भी एहतमाल है कि क्या हो सकता है कि ये उनकी इस बीमारी से भी ये वाक़या या ये हादसा रोनुमा हुआ हो। रस्सी टूटने की वजह भी बताई जा सकती है। और इसके अलावा तीसरी जो अहम बात है वहाँ का मौसम, क्योंकि वहाँ का जो मौसम होता है वहाँ पर साल हर साल लगातार जो है वो बर्फ़ पड़ती रहती है और फिर इस तरह अक्सर बर्फ़ानी तूफ़ान वहाँ पर आते रहते हैं, तो हो सकता है ये ख़दशा भी है कि वहाँ पर ये बर्फ़ानी तूफ़ान की जद में आकर ये नीचे गिरे हों और उस तरह ये लापता होने के बाद जो हैं वो इंतकाल कर गए हों। लेकिन ये तमाम तर तफसीलात तो बाद में सामने आएगी, अब तक तो जितनी भी तफसीलात सामने आई हैं उनके हादसा पेश आने के वजह से वो तमाम मफरूज़े हैं और असल हकायक जो हैं वो बाद में ही सामने आए हैंगे। लेकिन इस पूरी एक इस कहानी के अंदर एक चीज़ जो सामने आई है वो है जज्बा, और जज्बा इस तरह कि पहले मोहम्मद अली सत्तपारा जो थे उनके दिल में जज्बा अपने हुब्बुल वतनी का और अपनी K2 की दुनिया की जो बुलंद तरीन दूसरी चोटी है उसको सर करने का, वहाँ पर सब्ज हिलाली परचम लहराने का एक तो जज्बा वो था जिसको उन्होंने पाने की पूरी कोशिश की है। दूसरा जो अहम जज्बा था वो था उनके बेटे मोहम्मद अली सत्तपारा के जो बेटे थे साजिद अली सत्तपारा उसके दिल में जागा, और वो था उस वक्त जब मोहम्मद अली सत्तपारा और उसकी टीम के लापता होने के बाद उन्होंने ठानी कि उन्होंने अपने वालिद का जस्तखाकी जो है वो हर सूरत पैदा करना है और उसे तलाश करना है। तो ये एक जज्बा जो है एक अहम इस कहानी का एलिमेंट है और जिसको पाने के लिए और जिसको पूरा करने के लिए इस बाप बेटे ने एक लाजवाल दास्तान जो है वो कायम की है। और अब जो कौमी हीरो हैं मोहम्मद अली सत्तपारा उसकी डेड बॉडी मिलने के बाद अब कम से कम ये है कि जो उनके अहले खाना हैं उनको कम से कम कुछ रिलैक्सेशन हुई होगी, क्योंकि जब इंसान से कुछ गुम हो जाता है तो फिर उसको बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है और इस तरह इंसान की जो जस्तखाकी है वो भी लापता हो जाए तो बेचैनी सी होती है। लेकिन कम से कम ये है कि अगर उनकी अब ये डेड बॉडी मिल गई है तो उसके अहल खाना को कम से कम कुछ रिलीफ या कुछ सुकून मिला होगा उस सेंस में कि कम से कम उनको अपने प्यारे शहजादे और पहाड़ों के शहजादे के जो बेटा है पहाड़ों का ये उसकी आखिरी दीदार जो है उनका वो तो नसीब हुआ होगा। दूसरी जानब
जो जॉन स्नोरी हैं और जो जेपी मोहर हैं, उनके अहल खाना ने भी पहले से ही यही कहा है कि जैसे ही उनकी डेड बॉडीज़ मिलें तो उनको वापस अपने अपने ममालिक में रवाना कर दी जाएँ, ताकि वो भी अपने प्यारों का दीदार जो है वो कर सकें। तो ये थी तमाम तर तफसीलात जिससे हमने आपको आगाह किया, और उम्मीद करते हैं कि मोहम्मद अली सत्तपारा की इस कोशिश को और इस मुहिमजुई के इस जज्बे को सराहा जाएगा, और हुकूमत पाकिस्तान से यही दरख्वास्त है कि वो इस कौमी हीरो के को ऐसा एज़ाज़ दें, ऐसे एज़ाज़ से नवाजें ताकि दुनिया याद रखे कि पहाड़ों के इस शहज़ादे ने पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, और इस जज्बे के तहत उन्होंने सब सलाली परचम लहराने के लिए अपनी जान दे दी। और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान इस तजवीज़ पर गौर करेगी और उसको एक आला एज़ाज़ से भी नवाजेगी। मज़ीद एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक अपने मेज़बान उमर सिद्दीक़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।